हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर, हाय, आई एम मन रॉय। आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। सो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माय फेवरेट टॉप 5 पाउडर। सो टॉप 5 पाउडर में से इसमें लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, कॉम्पैक्ट सब मिक्स्ड है। मैं अलग अलग से कैटेगरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा फेवरेट पाउडर नहीं है, बहुत ही मिनिमम है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सब मिक्स्ड करके एक टॉप 5 बनाती हूँ एंड वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जो भी पाउडर आपको दिखाऊंगी, कोई भी ऑर्डर वाइज नंबर वाइज नहीं है, रैंडमली दिखाऊंगी, कोई ज़्यादा फेवरेट कम फेवरेट नहीं है। ये मतलब 5 पाउडर ही मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये इक्वल फेवरेट है मेरे लिए। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू दिस कॉम्पैक्ट। ये है इनिस्फ्री का नो सीबम मिनरल कॉम्पैक्ट। एक्चुअली ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर जैसा होता है वैसा ही है, कॉम्पैक्ट में है। ओपन करके दिखाती हूँ, इस टाइप का है, आप देख सकते हो। प्योर व्हाइट कलर का है, इसमें कोई भी कवरेज नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है। ये सिर्फ आपके फेस के जो है मेकअप को सेट करेगा। ऑल्सो एवरीडे के यूज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत स्मूथ है एंड ये जो है ऑयली स्किन के लिए, एक्सेस ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये आपके फेस पे एक मैट लुक देता है एंड ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लॉन्ग टाइम तक आपका फेस जो है मैट रखता है। ये मैंने लिया था, द क्विक क्रीमिस्ट ने अपनी वीडियो में बहुत बार इसके बारे में बात किया था, तो वो देख के मैंने लिया था। मेरा भी ऑयली स्किन है और मेरे स्किन में बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो अगर आपको एवरीडे के लिए कोई भी एक नॉर्मली पाउडर लेना है, टैल्कम पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर टाइप का, तो आप ये कॉम्पैक्ट जो है यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइस होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, मैं नीचे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, साथ में मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मेंशन कर दूंगी। सो मेरा नेक्स्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट है नायका का कॉम्पैक्ट। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है, एकदम सिल्की स्मूथ सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेक्सचर एंड साथ में सेम फिनिशिंग आपको फेस में भी देता है। इसमें मीडियम कवरेज है तो बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, आप इसको फुल कवरेज में बिल्डअप कर सकते हो और ये आप एवरीडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। शेड रेंज इज ऑल्सो क्वाइट गुड क्योंकि अगर आपका स्किन डस्की है, डार्क है, फिर भी आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा जो शेड है यह है 03 वर्म हनी, तो ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन के साथ मैच है। ये मैंने थर्ड टाइम परचेज किया है तो आप सोच ही सकते हो कि मेरा ये कितना ज़्यादा फेवरेट है। ऑल्सो मैं इस कॉम्पैक्ट का एक डार्कर शेड भी अपने पास रखती हूँ कंट्यूरिंग करने के लिए क्योंकि इसका टेक्सचर इतना अच्छा है, इतना इजीली ब्लेंड होता है, तो कंट्यूरिंग के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड एफोर्डेबल में बेस्ट कॉम्पैक्ट है ये। तो ये कॉम्पैक्ट भी आप ले सकते हो अगर आपको एफोर्डेबल प्राइस में 500 to 600 के अंदर एक अच्छा कॉम्पैक्ट चाहिए, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। सो नेक्स्ट जो पाउडर है ये है RCMA का द ओरिजिनल नो कलर ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये ओनली वन ट्रांसलूसेंट पाउडर है विच आई लाइक सो मच बिकॉज इसका जो फिनिशिंग है बहुत अच्छा है। ये कोई भी फ्लैशबैक नहीं देता है, कोई भी आपके फेस पे व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये व्हाइट कलर का पाउडर है फिर भी कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। मोस्टली जो व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो एक व्हाइट कास्ट छोड़ता है फेस पे या फिर जब आप फोटोग्राफ्स लोगे देखोगे फ्लैशबैक देता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये पाउडर ऑयली स्किन, एक्सेस ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा ऑयली होनेस आता है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो आप जस्ट ये पाउडर जो है अपने मेकअप के ऊपर अप्लाई करो, आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, आपके फेस में स्वेट जो होता है उसको कंट्रोल करेगा, ओवरऑल एक मैट लुक देगा। पर ड्राई स्किन के लिए ये पाउडर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ड्राई स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर ड्राई स्किन में आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, सिर्फ आप अपने टी जोन में हल्का सा अप्लाई कर दो या फिर जहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर हल्का सा अप्लाई कर दो, फुल फेस के लिए सही नहीं है। ये सिर्फ ऑयली स्किन या फिर एक्सेस ऑयली स्किन के लिए बेस्ट पाउडर है और ये पाउडर आपको सिर्फ मेकअप के बाद ही अप्लाई करना है, विदाउट मेकअप आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये कोई भी एवरीडे पाउडर नहीं है, मेकअप को सेट करने के लिए बेस्ट पाउडर है। इसको मैं प्रोफेशनली भी यूज़ करती हूँ, पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा पाउडर है।
सो नेक्स्ट जो कॉम्पैक्ट है ये है मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। तो इसका नाम पाउडर प्लस फाउंडेशन है पर ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट है, ये कम्प्लीटली फुल कवरेज कॉम्पैक्ट है। आप चाहो तो विदाउट मेकअप भी इसको यूज़ कर सकते हो या फिर मेकअप के ऊपर भी सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट इसको ब्राइडल मेकअप में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, कह सकते हो दिस इज़ माई टॉप वन फेवरेट कॉम्पैक्ट। और आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट हाउ मच आई यूज़ दिस प्रोडक्ट, मुझे इतना पसंद है। इसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा, इसका जो टेक्सचर है एकदम सिल्की स्मूथ बटरी टेक्सचर है एंड इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है, अगर आपका ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, जैसा भी स्किन हो आप ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। इसका कवरेज आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको एक अच्छा कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करना है देन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। और अगर आपको प्रोफेशनली आप मेकअप करते हो तो फिर तो आपके पास ये होना ही चाहिए, इसके बिना आपका मेकअप जो है अधूरा है। एंड आप चाहो तो कंटूरिंग के लिए भी इसका जो डार्कर शेड है वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ब्लेंड जो है बहुत अच्छे से होता है। कंटूरिंग के लिए हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, आपको शेड के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से अंडर टोन के हिसाब से शेड मिल ही जाएगा। तो मेरा जो शेड है इसमें यह है NC41, मेरा नॉर्मली मैक के फाउंडेशन में शेड है NC42 और कॉम्पैक्ट में है NC41। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पाउडर है ये है मेबलिन का फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर। ये बहुत ही पॉपुलर पाउडर है, ड्रग स्टोर में जितना भी पाउडर है उसमें से ये सबसे बेस्ट है एंड आई जस्ट लव दिस पाउडर फॉर द फिनिशिंग ऑफ दिस पाउडर, क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है, स्मूथ बना देता है, आपका जो पोर्स है उसको भी मिनिमाइज कर देता है। ये एक लौता ऐसा पाउडर मैंने देखा है जो अप्लाई करने के बाद आपका पोर्स एकदम चला जाएगा, आपका स्किन जो है सुपर सुपर स्मूथ बन जाएगा। और इसको अप्लाई करने के बाद आप एक बार फोटोग्राफ्स लेके देखना, इतना अच्छा आएगा आपका स्किन, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, सामने से भी बहुत अच्छा लगता है। इसका कवरेज जो है बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज आप कह सकते हो। और शेड्स जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस पर उतना ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है, ओनली 4 शेड्स अवेलेबल है। और मे बी अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है या फिर डस्की है तो आपको आपके आपका जो स्किन टोन है उस हिसाब से शेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इसका ऑलमोस्ट 3 शेड्स अवेलेबल है और कोई भी डस्की स्किन टोन के लिए या डार्क स्किन टोन के लिए नहीं है। एक मैंने लिया है, ये मेरा शेड है 20 लाइट मीडियम, मेरे पास 25 भी है, सॉरी ये 25 है, हाँ तो मेरे पास 20 भी है एंड मेरे पास 30 भी है। तो 30 जो है वो डार्कर शेड है पर वो मैंने देखा है उतना ज़्यादा डार्कर भी नहीं है। अगर डस्की स्किन टोन के बारे में सोचो तो डस्की स्किन टोन जो है उस पर सूट नहीं करेगा। और ऑल्सो अंडर टोन जो है वो भी सही नहीं है, बस 2 शेड का अंडर टोन वर्म अंडर टोन है एंड बाकी 2 शेड का अंडर टोन जो है पिंक अंडर टोन है। तो शेड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों इंडिया में इसका जो है सारा शेड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। ऑल्सो इतना सही प्राइस के अंदर, एफोर्डेबल प्राइस में आपको इसमें बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाता है, 20 ग्राम पाउडर आपको मिलता है। मैं ये लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है एक अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वांटिटी या फिर अच्छी क्वालिटी वाला आपको कोई भी पाउडर लेना है, ड्रग स्टोर ब्रांड में लेना है तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत अच्छा पाउडर है। बस शेड्स जो है वो आप चेक करके देखना, अगर आपका लाइट या मीडियम टाइप का शेड है, स्किन टोन है तो फिर आप ले सकते हो, नहीं तो डस्की डार्क स्किन टोन के लिए मैच नहीं करेगा, लेके फिर आपका बाद में मैच नहीं होगा, आपका मनी जो है वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट कंटेंट मिल जाएगा, कुछ अलग से मेकअप ट्यूटोरियल या मेकअप टिप्स जो है वहाँ पर मैं छोटे छोटे मेकअप टिप्स एंड हैक्स जो है शेयर करती रहती हूँ रील पे, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो। ऑल्सो अगर आपको मेरा प्रोफेशनल वर्क देखना है आप मेरा फेसबुक पेज है वो लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड मेरा एक अलग सा बंगाली चैनल भी, अगर आपको बंगाली चैनल देखना है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन है, उसमें मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ पर पहले से बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ मिलती हूँ किसी और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, कोई और प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।